नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस वक्त हम उमरा रेलवे स्टेशन के एम गेट के पास है, जहां पे जम्मू और उन्नाव में हुए एक वहशियाना हरकत की वजह से यहां पे उन मासूम बच्चियों का बलात्कार किया गया और उन्हें से जान से मार दिया गया। उसके लिए यहां पे एक उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पे उमरा शहर वासियों की तरफ से यहां पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं यहां पे प्रोग्राम किस लिए किया गया है। आज ये कार्यक्रम इस बात के लिए रखा गया था, जैसा कि सारे देश को पता है कि कठुआ में एक मासूम आसिफा बेबी के ऊपर उसको अगवा करके इस तरह से मंदिर में बंदी बना के रखा गया, उसको नशे के इंजेक्शन दिए गए और वहाँ के महंत जो मंदिर के थे उन मंदिर के जहाँ पे पूजा स्थल था वहाँ पर रेप किया गया। उसमें वहाँ के बीजेपी के जिम्मेदार भी शामिल थे, वहाँ की पुलिस वाले शामिल थे। ये इंतहाई शर्मनाक वाकया है। उन्नाव में जो सपना नाम की एक लड़की है उसके साथ भी वहाँ का जो बीजेपी का MLA था उसने रेप किया है। जब वो शिकायत करने के लिए उसने तमाम पुलिस स्टेशन के दरवाजे देखे लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिर में वो योगी के मकान पे गई और आत्महत्या की धमकी दी गई। उसके बाद पुलिस आई और उसके बाप को उठा के ले गए, उन लोगों की पिटाई की और इतनी पिटाई की गई कि उसका बाप जो था बजाय इंसाफ मिलने के उसकी मौत वाकई हो गई। अफसोस की बात यह है कि तिरंगा यात्रा निकाल करके और आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन कठुआ के अंदर मासूम लड़की के लिए खड़े होने की जगह में जो आरोपियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल के खड़े हो रहे हैं, ये कितने शर्मनाक बात है। ये सारे हिंदुस्तान में, सारे ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान का सर जो है शर्म से झुक जाएगा। इस बात को लेकर यहाँ पर एक इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा गया था और मजलूमी इनको हमारी तरफ से फांसी की सज़ा दिए जाने के लिए हम डिमांड करते हैं। कुल जमात की तरफ से ये प्रोग्राम उमरा में रखा गया था। देश में BJP गवर्नमेंट की तरफ से एक नारा बुलंद किया जाता है बार बार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ किससे बचाओ, BJP से बचाओ कि आम जनता से बचाओ? ऐसा लग रहा है कि अब बच्चियों को अकेला घर से निकालना दुश्वारी लगती है, डर लगता है कि हम अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालें कि नहीं निकालें। जिस तरह से ये रेप का कांड किया गया है, जिन लोगों ने ये ऐसी घिनौनी हरकत की है उनको इस्लामी कानून के तरह पूरे समाज के बीच में खड़े रहकर संसार करना चाहिए। उनको फांसी नहीं देना चाहिए, उनको बीच रास्ते पे खड़ा करके पत्थरों से मारना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि जिस तरह से बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उनको तीन चार दिन मंदिर में रख के और पत्थरों से उसका सर कूचा जाता है और उसके जब FIR उसको लेके पुलिस वाले जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो उस FIR को वहाँ की बार काउंसिल के वकीलों ने जिस तरह से रोका है और नारे लगा के जय सियाराम के नारे वकील निकाले हैं, तो उन वकीलों के अंदर जो तासुब आते जा रहा है, हमें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अदलिया पे भी हमारा भरोसा उड़ जाए। इसलिए हमारी मांग है कि जितने जल्द से जल्द हो इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसी तरह उन्नाव का जो मामला सामने आ रहा है, उन्नाव के अंदर BJP को के लीडर को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको बचाया जा रहा है। क्यों आखिर ऐसा है, खाली इनकी हुकूमत में क्यों ऐसा हो रहा है? मैं हमारे तमाम हिंदू भाइयों से भी ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्ची जिसका रेप हुआ है ये भले ही मुसलमान रहे लेकिन अपमान आपके देवी देवताओं का भी हुआ है, क्योंकि इस बच्ची का रेप जो है मंदिर में हुआ है। एक 8 साल की बच्ची जिसको जो है नशे की हालत में रखा गया और जो जिसने उसका रेप किया है वो अपने कज़िन को UP से बुलाता है अपनी हवस मिटाने के लिए, उसको बाज़ाब्ता बुलाया जाता है। जिस पुलिस ऑफिसर को इसकी छानबीन के लिए रखा जाता है उसके अलावा एक पुलिस ऑफिसर जो था उसने आरोपी से ये कहा था कि बच्ची को कत्ल करने से पहले मैं इसके साथ एक बार रेप करूंगा। तो इतनी घिनौनी मानसिकता वाले लोग हैं, ये रेपिस्ट है, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर निर्भया के बाद सख्त कानून बना था तो उसकी अमल बजावनी क्यों नहीं हो रही है, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? केंद्र सरकार जो इस वक्त जो अपना रोल निभा रही है, एक नपुंसक सरकार है जो एक लफ्ज़ भी न बोलना जानती है, न कहना जानती है, न करना जानती है। ये लोगों में इंसानियत है? बिल्कुल ये इंसानियत मरी हुई नहीं है, लेकिन सरकार की इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है। सरकार बिल्कुल यहाँ पे नपुंसक हो चुकी है। CET से इनकी इंक्वायरी होने मांगता है, पुलिस अधिकारी को वहाँ से हटाने मांगता है या CBI से इसकी इंक्वायरी होने मांगता है। ये हम होने नहीं देंगे, हिंदू मुसलमान को जो बांटा जा रहा है ये हम होने नहीं देंगे। हम इसके लिए हमको चाहे हमारी माँ बहन को घर से रोड पर अगर एहतियात करना पड़े तो हम करेंगे। BJP सरकार जब से आई है तब से आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं से एक वातावरण पैदा किया जा रहा है और जो लोग वातावरण पैदा कर रहे हैं मैं उनको हिंदू भी नहीं कहूँगा, वो हिंदुओं की आड़ में कुछ ऐसे लोग बसे हुए हैं, शैतान का लफ्ज़ दूंगा उनको मैं, कि वो बाकायदा एक इशारे पर काम करते हैं।
आज भी मुमरा के अंदर हमारे हिंदू भाई हमारे साथ में है और कई साल से आज भी हिंदू मुसलमान का एकता मुमरा के अंदर मौजूद है। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये राम को मानने वाले लोग हैं, ये राम के नाम पर अपनी सियासत चमकाने वाले लोग हैं। प्रशासन को अभी भी उसको जागना चाहिए और ऐसे लोगों को उनकी धरपकड़ करके उनको कानून के हवाले कर उनको जेल में बंद करना चाहिए, हमारी मांग यही है। मैं तो पहली बात सुन के परेशान हो गया कि अगर ये हरकत ये बच्ची के साथ अगर ऐसा कर सकते हैं तो हैवानियत की लिमिट हो गई, तो इसके ऊपर ताबड़ तो कुछ एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ वो अदालत के मैटर में कोई मतलब नहीं है, वो अदालत में केस चलता रहेगा तो मॉरल टूट जाएगा, उससे ऐसा जो भी होने का तड़फड़ निकाल लगा देने का, नहीं तो उनको पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक उसका निकाल लगा देगी। देश में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है मरकज़ी सरकार का रोल है और जिस तरीके से मुजरिमों को बचाने के लिए एक पूरी लॉबी जो है खड़ी है और वकला जो है बायकॉट कर रहे हैं अदालतों का, तो ये बहुत संगीन सूरत हाल है। ऐसे लोगों को सरेआम फौरन फांसी देनी चाहिए कि जो भी मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ना इसमें हिंदू ना मुसलमान, इसमें कोई कास्ट का मसला नहीं है। जो भी लोग हैं, जो भी इसके मुजरिमीन हैं, सबको ज़बरदस्त सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। अभी आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से लोगों में गम और गुस्सा देखा जा रहा है, बलात्कार जो कांड हुआ है उन्नाव और जम्मू शहर में, उसको देखते हुए यहाँ पे मुमरा एम गेट के पास यहाँ पे उसके लिए एक श्रद्धांजलि दी, वहाँ पे दुआओं का एहतमाम किया गया था। यहाँ पे सभी लोगों ने यहाँ पे नाराज़गी का इजहार किया, उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो हरकत करने वालों को फांसी दी जाए और जो कड़ा कानून है वो जल्द से जल्द इसके ऊपर अमल किया जाए। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, प्रहार टाइम्स।